हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज ये मैं आपको कचरी की चटनी बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, इस टाइप की ये कचरी आती हैं, छोटी छोटी होती हैं, कच्ची। इनको हमने ऊपर से छील लिया है, बहुत हल्का छिलका छीलना है इसका। ऐसे छील के इनको काट लिया है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। 250 ग्राम है, 12 लहसुन की कलियां हैं, 3 लाल मिर्ची को हमने भिगो के रख दिया था, और हम नमक लेंगे और 1 चम्मच तेल हमें लगेगा। तो सबसे पहले मैं इन सबको इकट्ठा मिला के पीस लेती हूँ। ये देखिए, ये पीस के कुछ इस तरह की हो गई है, स्मूथ हो गई है। आप ना अगर ज्यादा रेड कलर चाहिए, तो मैं थोड़ा मिर्च कम खाती हूँ, तो आप 5 से 6 लाल मिर्च डाल सकते हैं, जो अच्छे से सोक कर लें आधा घंटा पहले गर्म पानी में। और नमक मैंने टेस्ट कर लिया है, बहुत ही बढ़िया है, अच्छी खट्टी खट्टी कचरी है, मतलब खटाई डालने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम तेल लेते हैं थोड़ा सा और इसको बनाते हैं। ये देखिए, ऑयल गरम होना हमने रख दिया है, और अब हम डाल देंगे इसमें ये चटनी बनी हुई। 1 चम्मच ऑयल बहुत है, वैसे राजस्थान में ज़्यादा ऑयल डालते हैं, तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। राजस्थानी स्टाइल में मैं इसको बना रही हूँ, और 2-4 मिनट ना हम इसको पकाएंगे, भूनेंगे। अगर हम ये अच्छे से भुने रखेंगे ना, तो ये चटनी ज़्यादा दिन तक चलेगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बनाई हुई चटनी बहुत पसंद आएगी। परांठे से, मिर्ची डली हुई है परांठे से, पूरी से, किसी भी चीज़ से खाइए ये चटपटी चटनी। ये देखिए, तो अभी हम इसको पकाते हैं और आपसे मिलते हैं। और ये देखिए, ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ बबल्स आ रहे हैं, तो ऑयल छोड़ना शुरू हो गई है। ये चटनी हमारी जो है बहुत ही बढ़िया है, हमने नमक वगैरह पहले टेस्ट कर लिया था। और मैं यहाँ आपको बताऊँ, जब कचरी से हम इसको पीसते हैं ना, तो हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आई होप आपको ये चटनी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए, यमी एंड टेस्टी चटनी रेडी है।